दूसरों के कामों में हस्तक्षेप। मनोविज्ञान का यह विषय है कि बिना चाही हुई राय, आचरण योग्य बातें, शिक्षा, सम्मति, योजनाएं या आलोचनाएं दूसरा कोई भी पसंद नहीं करता, चाहे वो कितनी ही श्रेष्ठ क्यों न हो। दूसरे की योजना या राय स्वीकार करने में हमारे अहम को चोट लगती है और हम अपनी हेठ ही समझते हैं। अपने पराजय का भाव किसी को पसंद नहीं आता। जो जैसे रहता है वैसे ही रहने में उसे अधिक से अधिक सुख और आत्मसंतोष होता है। मनुष्य दूसरों के अनुभवों से लाभ नहीं उठाता, उसे दूसरे की विचारधारा अपनाने में आंतरिक संतोष नहीं होता। अपने अनुभव का ज्ञान ही स्थायी लाभ कराता है। इसी प्रकार जो चीज़ें किसी को स्वयं बिना श्रम के मुफ्त प्राप्त हो जाती है, उनके प्रति पाने वाले कभी सतर्क नहीं होते, न मूल्य ही समझते हैं। दूसरे की दी हुई चीज़ों में मनुष्य का अहम नहीं प्रविष्ट होता। अहम का लगाव न होने के कारण वह वस्तुएं उसके व्यक्तित्व का एक अंग नहीं बन पाती। गुप्त मन में संस्कारों का निर्माण एक प्रकार के मानसिक मार्ग उत्पन्न करता है। जैसे गाड़ी के चलने से लकीरें बनती हैं, वैसे ही ये मानसिक लकीरें बना करती है। जिस धीमी गति से इनका निर्माण होता है, उसी धीमी रफ्तार से इन्हें हटाकर नए संस्कारों को जमाया जा सकता है। अखंड ज्योति, जनवरी 1952, पृष्ठ 25, 26, 27।